हेलो फ्रेंड, आज पके हुए आम से दो नई रेसिपी बनाएंगे जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे बनाने के लिए पहले 3-4 ब्रेड को मिक्सी में ग्राइंड कर ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। उसके बाद गैस ऑन कर लें और कढ़ाई रख दें। कढ़ाई में 1/2 लीटर दूध डाल देंगे। अगर बिना उबाला हुआ दूध है तो आप ऐसे ही डाल दें, पर ये दूध उबाल कर रखी थी इसलिए इसमें 2 से 3 चम्मच मलाई डाल देंगे। मलाई डालने से दूध जो हमारा है वो थोड़ा क्रीमी होगा, इसलिए उसके बाद दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे। देखिए दूध में उबाल आने लगा है, तो इसी तरह से इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से उबालेंगे। फ्लेम तेज कर देंगे इस टाइम। उसके बाद तेज़ फ्लेम पर इसे 7 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल लेंगे। 7 मिनट हो गया है, उसके बाद इसमें चीनी डाल देंगे। 1/2 कप चीनी डाल देंगे, क्योंकि 1/2 लीटर दूध है इसलिए 1/2 कप चीनी पर्याप्त है इसके लिए। चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट और उबालेंगे। उसके बाद इसमें 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्स डालने से जो हमारी रबड़ी है वो बहुत ही जल्दी और बहुत आसान तरीके से कम समय में ही बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप ब्रेड नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ दूध से भी रबड़ी बना सकते हैं। दूध को 1/2 घंटे तक के लिए थोड़ा गाढ़ा कर लें तो रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन ये ब्रेड डालकर रबड़ी बनाने से बहुत ही जल्दी और अच्छा टेस्टी रबड़ी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से ब्रेड डालकर इसे 5 से 7 मिनट और उबाल लेंगे। टोटल इसमें 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्टी रबड़ी बनकर तैयार होता है। देखिए रबड़ी हमारी बन चुकी है, अब गैस बंद कर देंगे। उसके बाद इसमें 2 इलायची कूट कर डाल देंगे। उसके बाद इसको अच्छे से इलायची को मिक्स कर लें। फिर इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इससे हम रेसिपी बनाएंगे। तो इलायची को अच्छे से मिक्स कर दें। उसके बाद किसी दूसरे बर्तन में इसको निकाल कर फ्रीज में रख दें। इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है इसलिए गर्मी में ठंडी चीज़ें खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं आम ले ली हूँ, आप कोई भी किसी भी तरह का आम ले सकते हैं। मैं ये पीला कलर का जो आम है इसी से बनाऊँगी। तो इस तरह से आम को छील लेंगे, अच्छी तरह से छील कर आम निकाल लेंगे इसके गूदे। उसके बाद इससे मैंगो प्यूरी बनाएंगे। मिक्सी में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैंगो का पेस्ट बन जाएगा, ये बहुत ही अच्छा है। देखिए इस तरह से काट कर रख ली हूँ। उसके बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। उसके बाद जो हमने रबड़ी बनाई है उसे निकाल लेंगे फ्रीज से बाहर, और उसके बाद इस मैंगो प्यूरी को इसमें मिक्स करना है। पहले 3 से 4 चम्मच डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरे का कलर बिल्कुल एक सा हो जाए। अभी इसमें मैंगो का कलर नहीं आया अच्छे से, इसलिए इसमें थोड़ा और आम डालेंगे। ये सारा आम डाल देते हैं। तो इस तरह से सारा आम डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई भी घर पे आसानी से बना सकता है। इसमें बहुत ही कम सामान का ज़रूरत है और बहुत ही टेस्टी बनता है।
इसलिए इस तरह से आप अपने घर पर ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक गिलास ले लेंगे, उसमें थोड़े से कटे हुए आम और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर उसके बाद उसमें मैंगो रबड़ी का शेक डाल देंगे और इसको इस तरह से डालकर फिर से थोड़े से मैंगो ऊपर से डाल देंगे ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और ये ड्राई फ्रूट्स जो है ना, इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए आप, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनता है। इस तरह से हमारा मैंगो रबड़ी शेक बनकर तैयार है। अब इसी से गुल्फी बनाते हैं। गुल्फी बनाने के लिए आप कोई भी गिलास ले लें, आप चाहें तो किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, कटोरी में, गिलास में, किसी में भी बना लें। मैं गिलास में बनाकर दिखा रही हूँ। तो गिलास में पहले मैंगो रबड़ी शेक डालकर उसके बाद थोड़े से मैंगो डालेंगे, फिर ऊपर से रबड़ी डाल देंगे, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से कटे हुए आम डालकर इसे 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से जम जाए उसके बाद इसको बाहर निकाल, उसके बाद बाहर निकाल कर फिर इसको कट करके कट करेंगे। देखिए इस तरह से इसको चाकू की हेल्प से काट लें, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्दी अच्छे से कट जाता है। ये गुल्फी हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। इस तरह से आप काट लें, उसके बाद इसको थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम से इसको थोड़ा सजा देंगे, थोड़ा ताकि देखने में सुंदर लगे। देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी गुल्फी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी, इसलिए आप अपने घर पर ज़रूर बनाएं और कमेंट करके कर ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है, इसलिए ज़रूर बनाएं।